नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक नॉलेज चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि आहार द्वारा आप अपने ग्रह को कैसे बल दे सकते हैं। सूर्य अगर मजबूत हो तो हमें मान सम्मान, सुख समृद्धि मिलती है, पिता का संग और सहयोग मिलता है। अगर सूर्य कमज़ोर हो तो मुंह में थूक ज़्यादा बनेगा, होठों के किनारों पर थूक इकट्ठा हो जाता है, पिता से नहीं बनेगी। सरकार से या सरकारी नौकरी में सस्पेंड होना या झूठे आरोप लगना, मान सम्मान को ठेस पहुंचाना आदि परेशानी रहेगी। सूर्य को बल देने के लिए चौकर वाले आटे की रोटी खाएं, फल अधिक खाएं, निहार मुंह गुड़ खाकर ऊपर से पानी पिए, ग्वार पाठा को सेवन करें, रोजाना व्यायाम करें, सूर्य को जल दें। चंद्र माँ से दूरी बन जाए, जातक वहमी हो जाए, हाथ पैर शीतल पड़ जाए, चेहरे पर दाग धब्बे पड़ जाए, मन में उमंग खुशी न रहे तो समझे चंद्रमा खराब है। चंद्रमा को ठीक करने के लिए दूध में हरी इलायची डालकर पिए, खीर खाएं, केवड़ा डालकर और चांदी के गिलास में पनीर और दूध पिए, लीची पनीर नारियल खाएं और मखाने की खीर खाने से चंद्र मजबूत होता है। जंक फूड खाने से बचें क्योंकि इससे राहु एक्टिव हो जाता है। मंगल जल्दी थकना, भाई बहन से झगड़ा होना या दूरी बन जाए, चोट ज़्यादा लगना, हड्डियों का टूटना, शरीर में खून की कमी हो जाए और शरीर में ऊर्जा की कमी रहे तो समझ ले मंगल खराब है। पपीता चुकंदर खाने से मंगल मजबूत होता है। गुड़ डालकर मीठी लस्सी पिए, मंगल मजबूत होगा। लौकी तोरी की सब्जी भी खाएं। बुध बुध कमज़ोर होगा तो दांत खराब होंगे, जातक अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा, स्किन यानी कि त्वचा के रोग हो जाते हैं, बुद्धि खराब हो जाती है, मेमोरी कम हो जाती है। इसके लिए हरी मिर्च आंवला हरी सब्जियों का खूब सेवन करें, तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल पिए। गुरु गुरु खराब हो तो जातक मोटा होता चला जाता है, आपसे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, लिवर खराब हो जाता है, अस्थमा सांस की बीमारी हो जाती है। इसके लिए अनार और पपीता गन्ना खाएं, गुड़ खाएं। सूर्य अगर सम्मान देता है तो गुरु उस सम्मान को बनाए रखता है, इसलिए गुरु को मजबूत रखें। सांस की बीमारी हो तो रात को दूध में दो चुटकी हल्दी डालकर पिए, केले का भी सेवन गुरु मजबूत करता है। शुक्र शुक्र खराब हो तो तन मन धन सब पर ग्रहण लग जाता है। शुक्र अच्छा हो धन वैभव ऐश्वर्य सभी कुछ तो तभी मिलता है, अतः शुक्र को बलि रखने के लिए साबूदाने की खीर खाएं, पनीर खाएं, छेना तथा छेने की बनी मिठाइयाँ खाएं, दूध पछाड़कर उस पानी को पीने से भी शुक्र मजबूत होता है। शनि व्यवहारिक जीवन में कुछ पाना है तो शनि को मजबूत करना होगा। उड़द राजमा चावल खाए आदि में लौंग डालकर खाए, राई का पानी पिए, शनि मजबूत होगा। राहु और केतु राहु शनि के समान है और केतु मंगल के समान है, अतः शनि और मंगल की चीज़ें खानी चाहिए। दोस्तों यदि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद।